रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। रेलवे भर्ती को लेकर छात्रों के आंदोलन पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम 6 बजे रेल अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। 2004 के बाद से रेलवे में कितनी भर्ती हुई है, उस दौरान भर्ती की प्रक्रिया क्या थी, इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री के द्वारा सवाल जवाब होंगे उन अधिकारियों के साथ। मौजूदा हंगामा भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही है, हम आपको बता दें, और बिहार से होते हुए ये हंगामा अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा के नतीजे को लेकर ये पूरा हंगामा, छात्रों के द्वारा हो हल्ला, हंगामा, ट्रेन फूंक दी गई। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल मंत्रालय की इस भर्तियों को लेकर जो 2004 के बाद हुई है उसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। तमाम रेलवे के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और ये तस्वीर हम आपको बताना चाहते हैं। ये तस्वीर पुरानी है, ये उस समय की तस्वीर है जिस समय छात्रों ने ये हो हल्ला हो हंगामा किया था। इस समय स्थिति काबू में है लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी भी सरकार के साथ बदस्तूर जारी है। भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ ही छात्रों का पूरा प्रदर्शन है और सवाल लगातार हम भी यही पूछ रहे हैं कि जब जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं वो समय पे हो जाती हैं, उनके नतीजे सही आ जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, लेकिन जब ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं होती हैं तो इस तरीके की धांधलेबाजी आखिर कैसे हो जाती है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक रेलवे के आला अधिकारियों की बुलाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बैठक होगी रेलवे के आला अधिकारियों के द्वारा। ये जो भर्तियां हो रही हैं इसको लेकर जो छात्रों का हंगामा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है।